चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी येथील गोपाणी आर्यन अँड पॉवर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या 500 कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून काढून टाकले म्हणून त्याचा निषेध करत चंद्रपूर जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. तडाळी MIDC स्पंज आयरन कामगार संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश चोकरे आणि कामगारांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करून कंपनी प्रशासनाचा निषेध केला. त्यांनी सांगितलं की गोपाणी कंपनीने कामगारांना पूर्व माहिती न देता जुलै 2021 अर्धा पगार कापला, त्यानंतर 10 सप्टेंबर रोजी सर्व कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची नोटीस बोर्डावर लावण्यात आली. दरम्यान 18 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्तांना कंपनीतील कामगारांच्या समस्यांबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी कामगार आयुक्त कार्यालयात कंपनी व्यवस्थापक ठेकेदार आणि कामगार संघटनेची संयुक्त बैठक झाली असता बैठकीत सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी चर्चा केली आणि कामगारांना कामावर परत घेऊन उर्वरित पगार देण्याबाबत कंपनी व्यवस्थापकाला कळवले. ठेकेदाराने सहाय्यक आयुक्तांना जुलै महिन्याचे शिल्लक वेतन आणि ऑगस्ट महिन्याचे पूर्ण वेतन 22 सप्टेंबरपर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण 21 सप्टेंबर रोजी ऑगस्ट महिन्याचाच पगार देण्यात आला म्हणून कामगारांनी विरोध करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. 10 तारीख गोमानी मैनेजमेंट ने 500 वर्कों को बंद किए. उस संदर्भ में हमें कई बार पालक मंत्री महोदय, खासदार महोदय, उसके बाद जिला अधिकारी, सहायक कामगार आयुक्त को निवेदन दिए, लेकिन निवेदन के माध्यम से कोई हल नहीं निकला. आज उसी संदर्भ में हम गांधी चौक से कलेक्टर ऑफिस तक यलगार मोर्चा के माध्यम से प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए उसकी तरफ से और 500 लोगों को काम में शामिल करने के लिए आज हमने एल्गार आंदोलन किया है. जब तक 500 कामगारों को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा. हमारी मांग है कि मैनेजमेंट की जो तानाशाही है वो नहीं चलेंगी. इस माध्यम से जल्द पालक मंत्री महोदय, माननीय खासदार महोदय और जिला अधिकारी इस पर बैठक लेके इस पर तोड़ निकालने की आवश्यकता है. इसीलिए आज का मोर्चे का आयोजन किया गया है. हमारी मांग है हमारे को न्याय चाहिए. कितने दिनों से ये मांग आपकी प्रलंबित है? कम से कम 1 महीना हो गया है. इनको पहले पगार कम किए, फिर 120 लोगों को कम किए, अभी 500 लोगों को बाहर किए. करीब 1.5 महीने से संघर्ष चालू है और किसी ने भी इसकी दखल नहीं ली. इसीलिए आज हमने गांधी चौक से कलेक्टर अभी तक मोर्चा निकला है, यलगार मोर्चा निकला है. मैं शासन और प्रशासन दोनों का ध्यान देने के लिए, उनका लक्ष्य वेधने के लिए आज हमने यह आंदोलन का आयोजन किया है.